हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सम कंडीशनल सेंटेंसेस। यू सी कंडीशनल सेंटेंस नंबर वन ऑन द ब्लैक बोर्ड, इफ राम कम्स आई शैल गिव हिम ए पेन। द इफ क्लॉज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस बिफोर कॉमा, यू सी इट इज इन प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज आई शैल गिव हिम ए पेन is in future simple tense. Then you see such combination is seen in the first conditional sentence, present simple present and simple future, simple present plus simple future. If simple present tense and simple future tense is clear, you will surely understand it. Next example of this type of sentence is, if it rains the dry grass will become green. अगर वर्षा होगी तो सूखी घास हरी भरी हो जाएगी। इफ़ यू गो यू विल मीट हिम, अगर तुम जाओगे तो उनसे मिल लोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस नंबर टू, इफ इट रेंड द ड्राई ग्रास वुड बिकम ग्रीन। द फर्स्ट पार्ट इफ क्लॉज इज इन पास्ट सिंपल, simple past, and the dry grass would become green, it is also simple past with would and should. Then simple past here, subject plus v2, rained, r-a-i-n-e-d, it is verb number 2, past tense form of the verb it is called. And the dry grass would become green, it is also past tense with would and should. Then this type of sentence is second type of sentence is also a conditional sentence, and its Hindi meaning is, its Hindi meaning is, agar barsa ho to sukhi ghas hari bhari ho jaye. Second sentence, for example, other example are of such sentences are, if he came I would receive him at the platform. If he came, अगर वह आए तो मैं उसे प्लेटफॉर्म पर रिसीव करूं। If doctor came, the patient would get medicine. अगर डॉक्टर आए तो मरीज को दवा मिले। This is the sense of such sentences. Second, next, third sentence you see, if she had come, I should have seen him. I should have seen her. If she had come, if clause is in past perfect tense, and I should have seen her, it is perfect infinitive. Should have, would have, v3 is used. Then Hindi meaning of such sentences is, agar vah aayi hoti to maine use dekha hota. अगर वह आई होती तो मैंने उसे देखा होता। आप बढ़िया से याद कीजिए, इसी सेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे इफ सी हैड कम आई शुड हैव सीन हर। अगर अनदर एग्जांपल ऑफ थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस हियर ऑन द ब्लैक बोर्ड इज, आप देखिए, इफ यू हैड रीच्ड ऑन टाइम यू वुड हैव कॉट द ट्रेन। इफ You had reached on time, you would have caught the train. अगर आप समय पर पहुँचते तो आप गाड़ी पकड़ लेते। If it had rained on time, the crops would have been grown. The crops would have been grown. Would have been grown. It is different, but same sense it is. If it had if she had cooked on time, the guest would not have gone without dinner. If she had cooked on time, the guest would not have gone without dinner. अगर वह समय पर खाना बनाई होती तो अतिथि बिना खाए हुए नहीं गए होते। अब चौथा सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस यू कैन सी, इफ ही वेयर ए बर्ड सब्जंक्टिव मोड, अगर वह चिड़िया होता, ही वुड फ्लाई टू मी, मेरे पास उड़ कर चला आता। यहाँ पर सब्जंक्टिव मोड में हम देखते हैं कि सारे सब्जेक्ट के साथ जो फर्स्ट पार्ट इफ क्लॉज में है वेयर ही लगेगा,
और उधर वुड फ्लाई लगेगा। जैसे आपने दूसरे में देखा वुड प्लस वी वन, वैसे ही चौथे सेंटेंस का जो सेकेंड पार्ट है और दूसरे सेंटेंस का जो सेकेंड पार्ट है एक ही होगा। ऐसे होगा, इफ़ आई वेयर रिच आई वुड बाई ए कार, अगर मैं धनी हूँ तो एक गाड़ी खरीद लूँ। इफ आई वेयर यू, अगर मैं तुम्हारे जगह हूँ आई वुड हेल्प हिम, तब मैं उसकी मदद करूँ। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण आप इस पर सेंटेंस को, आपको ये जो चार तरह के सेंटेंसेज हैं इसका हिंदी में भी मीनिंग हमने बोल दिया है, उसको थोड़ा आराम से सुनना है और इस पर आपको अपने से खुद नया नया सेंटेंस फ्रेम करना है, सेंटेंस बनाना है, तो आपको ये समझ में आएगा। और ये समझ में आने के लिए आपका टेंस क्लियर होना चाहिए। विदाउट अंडरस्टैंडिंग टेंस नथिंग कैन बी अंडरस्टूड इन इंग्लिश। टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इट।